नमस्कार एन सी आर टी क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर थर्टीन अमीन्स इसकी हम एक क्लास पढ़ चुके हैं उसमें हमने जाना था कि अमीन्स होते क्या हैं ये किस प्रकार से अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं किस प्रकार से अमोनिया में एक एक हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल अथवा एरेल ग्रुप जोड़ने से एल्कल अथवा एरेल अमीन्स बनते हैं फिर हमने इसकी संरचना के बारे में जाना हमने जाना कि इसमें sp3 संकरण होता है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इसकी संरचना पिरामिडी होती है फिर हमने इसकी नॉमन क्लेचर के बारे में जाना था कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है सामान्य नाम किस प्रकार दिए जाते हैं और आई पद्धति से इन्हें किस प्रकार बोला जाता है और उसके बाद फिर हमने इसकी सिंथेसिस के बारे में जाना संश्लेषण के बारे में जाना कि किस प्रकार संश्लेषित किया जाता है इसके बाद हमने जाना था कि नाइट्रोयोगिकों अथवा अमाइड अथवा नाइट्राइल्स के अपचयन से भी अमीन्स को बनाया जा सकता है जिसमें हम कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं अथवा एसिडिक और बेसिक मीडियम से भी इसको बनाया जा सकता है हमने यह भी सीखा था कि जब एल्काइल हेलाइट का अमोनिया भट्टन कराते हैं तब भी एल्काइल अमीन्स बनते हैं और यह है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन के साथ साथ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनते हैं उन सबका मिक्सचर मिलता है फिर हमने सबसे महत्वपूर्ण जाना था ग्रेबियल थैलमाइड सिंथेसिस के बारे में जिसमें थैलेमाइट का पहले पोटेशियम सॉल्ट बनता है फिर उसके बाद उसका एल्काइल कंपाउंड बनता है जो एन्यूएच के साथ रिएक्शन पर प्योर प्राइमरी अमीन देता है इतना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था अब हम क्या सीखेंगे हम सीखें कुछ और इसकी जो सिंथेसिस रह गई उसके बारे में जानेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग uh, पॉइंट्स की बात करेंगे इनकी बेसिसिटी के बारे में जानेंगे इनकी क्षारकता के बारे में जानेंगे कि इन क्षारकता का कम किस प्रकार से होता है क्षारकता को क्या क्या प्रभावित करते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम कुछ इसकी रिएक्शंस या अभिक्रियाएं देखेंगे हॉफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन किसी अमाइड की एनओ के जलीय अथवा एथेनोलिक विलियन में ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं इस निम्नीकरण अभिक्रिया में एल्किल अथवा एरिल समूह का स्थानांतरण एमाइड के कार्बोनिल कार्बन से अमीन के कार्बोनिल परमाणु पर होता है इस प्रकार प्राप्त अमीन में अमाइड से एक कार्बन एटम कम हो जाता है बात समझे कहा क्या है ये कहा है जैसे यहाँ पर हमने लिया एल्काइल अमाइड यह बात ध्यान से समझने की कोशिश करना रिएक्शन किससे करा रहे हैं ब्रोमीन से और एनियोच से ब्रोमीन और एनोएच के साथ रिएक्शन करा रहे हैं होगा क्या कि ये जो अमाइड ग्रुप है ये आर एन एच टू में रिड्यूस हो जाएगा ये आर एन एच टू में परिवर्तित हो जाता है और साथ में एनओ टू सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट सोडियम ब्रोमाइड और एच टू ओ बनता है ये रिएक्शन अगर आप पहले देखें तो यहां पर दो कार्बन एटम है यदि आर को एक कार्बन एटम माने तो यहां पर दो कार्बन एटम है और यहां कितना रह गया एक इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई ये डिसेंडिंग रिएक्शन हुई ये अवरोहण अभिक्रिया हुई इसमें एक कार्बन एटम कम हो जाता है इसमें ये जो रिएक्शन होती है ये बी आर टू और एन ओ एच से हो रही है इसमें एन ए बी आर यहाँ पर निकलेगा एक एन ए और एक बी आर और साथ में इसका एच और इसका ओ एच एच टू ओ निकलता है और यहाँ पर आ जाता है एन एच बी आर आप समझ रहे हैं ये जो एच है ये इस ओ एच के साथ में एच टू ओ ये एक एन ए इस बी आर के साथ में एन ए बी आर

तीन अथवा अधिक कार्बन परमाणु वाली प्राइमरी अमीन लिक्विड होती है इससे उच्चतर अमीन सॉलिड है एनिलीन अथवा अन्य एरिल अमीन प्राय रंगहीन या कलरलेस होती हैं परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकरण होने से रंगीन हो जाती हैं निम्नतर एलिफेटिक अमीन जल में विलेय होती हैं क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेती हैं हालांकि अनुभार में वृद्धि के साथ जल विरागी हाइड्रोफोबिक एल्किल ग्रुप बढ़ जाता है अतः जल में विलयता घटती जाती है उच्चतर अमीन्स जल में आवश्यक रूप से अविलय होती हैं मतलब क्या समझो देखो कि जब ये अमीन्स लोअर अमीन्स हैं तब तो ये सॉलेबल होंगी सॉलेबल क्यों होंगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम पर जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वाटर के साथ में जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और जो एन एच टू का एच है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाता है लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें वाटर सॉलिबिलिटी कम होती जाती है या सीधे सीधे हम कहें जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाएगा वाटर में सॉलिबिलिटी इनकी कम होती चली जाती है अमीन की नाइट्रोजन एवं एल्कोहल की ऑक्सीजन की विद्युतीणता क्रमश थ्री पॉइंट जीरो तथा थ्री पॉइंट फाइव मानने पर आप अमीन अथवा एल्कोहलों की विलेता के पैटर्न की प्रागुक्ति कर सकते हैं मतलब समझो क्या है इसका कि हम जानते हैं कि अमीन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोन है थ्री और एल्कोहल्स में ऑक्सीजन उसकी है थ्री पॉइंट फाइव यह हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी आप समझने की कोशिश करना जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसीलिए यदि हम समान अनुभार वाली एल्किल अमीन लें और समान अनुभार वाला एल्कोहल लें तो एल्कोहल की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी और अमीन की सॉलिबिलिटी कम होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना आसान नहीं होता जितना अल्कोहल में होता है आगे देख रहा है क्वेश्चन कि ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन वन अमीन में से कौन सा जल में अधिक विलय होगा और क्यों अब आप तुरंत कह देंगे क्यों क्यों ब्यूटेन वन ऑल ज़्यादा सॉलेबल होगा क्यों होगा अधिक विलय क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन एटम है नाइट्रोजन के स्थान पर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो हाइड्रोजन या हम कहें कि वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा अमीन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर और बेंजीन में विलय होती हैं एल्कोहल अमीन की तुलना में अधिक ध्रुवित होती हैं अतः अमीन की तुलना में प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं प्राथमिक अथवा द्वितीयक अमीनों में एक अणु का नाइट्रोजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होने के कारण इसमें अंतर आणविक संगठन होता है यह अंतर आणविक संगठन प्राथमिक अमीनों में द्वितीयक अमीनों की तुलना में हाइड्रोजन आबंध के लिए दो हाइड्रोजन परमाणुओं की उपलब्धता के कारण अधिक होता है तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन अणुओं के अभाव के कारण आणविक संगठन नहीं होता है अतः समावयवी अमीनो के क्वनांकों का क्रम निम्नलिखित होता है यानी कि प्राथमिक का सबसे ज्यादा सेकेंडरी या द्वितीय का उससे कम और तृतीय का उससे कम समझो जरा कि कहा क्या है इसका मतलब क्या है देखो प्राइमरी अमीन में जैसे हमने कहा था फॉर्मूला होगा उसका आर अथवा ए समझ रहे हैं ना आर अथवा ए आर तो यहां दो हाइड्रोजन एटम या दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं जल के साथ बंद बनाने के लिए में क्योंकि एक ही हाइड्रोजन परमाणु होगा आर टू एनएच है तो केवल एक बॉन्ड बना पाएगा और टर्ट में तो होता ही नहीं है तो इस कारण से जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगे प्राइमरी में होंगे और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे समझ में सबसे ज्यादा सेकेंडरी में बनते ही नहीं हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट ही नहीं है इस कारण से ये प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है उससे कम सेकेंडरी का और उससे कम टर्शरी का ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी प्राथमिक अमीन में उपस्थित अंतरानिक हाइड्रोजन आबंधन को समझाया गया है चित्र में अब यहां देखो जैसे ये प्राइमरी अमीन है अब ये जो प्राइमरी अमीन है इसके एन पर दो हाइड्रोजन एटम है अब ये हाइड्रोजन एटम भी देखो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ये दूसरा वाला भी करेगा किसके साथ करेगा एन के साथ क्यों करेगा समझो देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है ना इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डिग्री टी कम है नाइट्रोजन की ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे नाइट्रोजन की तरफ हाइड्रोजन पर कम होंगे ये किसके पास जाएगा इस नाइट्रोजन पर क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नाइट्रोजन पर ज्यादा है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा समझ मार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंद अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद तो इस प्रकार से इसमें दो हाइड्रोजन एटम प्रत्येक के प्रत्येक आर के दो हाइड्रोजन एटम इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं अब कल्पना कीजिए यहाँ पर दो आर होते इस एच की जगह आर होता तो केवल यही बना पाता इस एच की जगह ये आर होता था ये वाला बॉन्ड नहीं बनता तो इसलिए वहां पर जब प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं बनते इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी अधिक मात्रा में नहीं होते इस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता और टर्शरी में उंगेरी यहाँ भी यार यहाँ भी यार तो बॉन्ड बनेगा कैसे इसीलिए टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है तो इस डायग्राम को देख कर इस चित्र को देख कर आपकी बात समझ में आ गई होगी कि किस कारण से प्राइमरी अमींस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है कुछ बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर जैसे यहाँ देखा उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा थ्री फिफ्टी पॉइंट एट इस प्रकार से अलग अलग इन्होंने ये दिए हुए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग इनके अनुभार समान है और अनुभार सामान होने पर देखें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में किस प्रकार से चेंज आ रहा है उसको आप यहाँ स्टेबल से आसानी से समझ सकते हैं अब देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियां या केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर तथा नाइट्रोजन परमाणु पर, पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगवल के कारण अमीन सक्रिय हो जाती हैं बात समझ में आ गई एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिविटी में डिफरेंस है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज्यादा है थ्री है और हाइड्रोजन की कम है टू तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कारण शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे नाइट्रोजन के पास नंबर वन नंबर टू नाइट्रोजन पर लोन प्रफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता के कारण से अमीन कैसी जाती है रिएक्टिव या एक्टिव हो जाती है नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी अमीन की सक्रियता के पथ को निर्धारित करती है इसीलिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की बहुत सी अभिक्रियाओं में भिन्नता मिलती है भिन्नता क्यों मिलती है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग है इसके अतिरिक्त असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगोल की उपस्थिति के कारण भी अमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह से व्यवहार करती हैं अमीनो का क्षारकीय गुण ये सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि हम जानते हैं अमीन बेसिक नेचर की होती है क्षार ही होती है क्षार होते कौन है लुइस की अवधारणा आपने पढ़ी है लुइस क्या कहते हैं लुइस कहते हैं कि वे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुइस बेस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो लुइस बेस कहलाते हैं या आप देखें ये अल्काइल अमीन में नाइट्रोजन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा ये बेसिक नेचर का कहलाएगा यह इसको लुइस बेस कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि तो जितनी भी अमींस होती हैं ये बेसिक नेचर की होती हैं एक बात तो हमें ये समझ में आई दूसरा हम जानते हैं हम पढ़कर आए क्लास इलेवंथ में ये जो एल्किल ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट रखता है प्लस आई इफेक्ट इसको हम कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या करता है ये ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा तो डोनेट करने के कारण से इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी एक तो किसके कारण से है इस पेयर प्रजेंट और दूसरा ये एल समूह उसको और इलेक्ट्रॉन दे देगा जिस कारण से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर पाएगा उसको माइग्रेट कर पाएगा और उसकी बेसिक नेचर उतनी ही अधिक होगी तो यहां जैसे हम एच एक्स ले यहां पर मानो ये बेस है ये हमने कोई एसिड लिया तो इससे क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाता है आर एन एस थ्री पॉजिटिव एक्स नेगेटिव ठीक है ना तो इस प्रकार का सॉल्ट बन गया तो वे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं क्या कहलाते हैं बेस कहलाते हैं इसीलिए यहां पर ये यह क्या है बेसिक नेचर की है एनिलिन देखे रिएक्शन किया है तो क्या बन गया सी सिक्स एच फाइव एन एस थ्री पॉजिटिव सी एल निगेटिव इसको एनिलिनियम आयन या एनिलिनियम क्लोराइड कहते हैं तो ये एनुलियम क्लोराइड क्या बना एक सॉल्ट बना एस सी एल अम्ल से रिएक्शन की इसका मतलब एनुल कैसा है बेसिक नेचर का है या फिर क्षारकीय प्रकृति का है तो हमने जो पहली लाइन में आप देख रहे हैं क्षारकीय प्रकृति होने के कारण अमीन अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं अब यहाँ इस टेबल को आप ध्यान से देखिए इसमें अमीन का नाम दिया हुआ है और पी के बी दिया हुआ है अब यहाँ समझो बात को देखो कि जितना पी के बी की वैल्यू कम होगी आप समझना बात को जितनी पी के बी की वैल्यू कम होगी उतना अधिक बेसिक होगा पी के बी या दो तरह से बोलते हैं देखो या तो बोलते हैं के बी के बी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक या पी के बी की वैल्यू जितना कम उतना वो अधिक बेसिक तो यहाँ मेथेनामीन को देखो इसकी पी के बी की वैल्यू कितनी है थ्री पॉइंट थ्री एट और वहीं अगर हम इस मेथेन की जगह यदि हम क्या लगा दें बेंजीन लगा दें तो बेंजीन अमीन दे रखा है है ना बेंजीन अमीन जिसका नेलिन कहते हैं इसकी 9.38 है आप देखें अंतर देखें यहाँ तो 3.38 एक अंतर देखिए 3.38 जब तो एन एस टू पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है सी थ्री और यहाँ 9.38 हो गई जब हमने एराइल ग्रुप लगा दिया इसको बेंजीन अमीन कह रहे हैं या नेलिन कह रहे हैं तो पी के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना कम बेसिक पी के बी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अधिक बेसिक तो उस हिसाब से आप टेबल को देखिए तो मेथेनामिन की थ्री पॉइंट देखिए एन एथिल एथेनामिन थ्री मतलब इसकी तुलना में यह अधिक बेसिक है लेकिन यह बहुत कम बेसिक है नाइन पॉइंट थ्री एट अब रहे हैं अमीन, उस एन पर यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस कारण से आप देखें इसकी पी के बी की वैल्यू कितनी रह गई फोर पॉइंट सेवन जीरो नाइन पॉइंट थ्री जीरो एट पॉइंट नाइन टू तो जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही कम बेसिक होगा अमीन की संरचना तथा तो क्षारकता में संबंध इसकी स्ट्रक्चर और बेसिसिटी में क्या रिलेशन है अमीन की क्षारकता इसकी संरचना से संबंधित होती है अमीनों का क्षारकीय गुण अम्ल से प्रोटोन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है इसका मतलब कि जितना आसानी से प्रोटोन ग्रहण करके एक धनायन या उसका पॉजिटिव आयन बन जाएगा इसका मतलब उतना ही अधिक बेसिक है और जितनी कम आसानी से बनेगा उतना कम बेसिक है अमीन की तुलना में धनाइन जितना अधिक स्थायी होगा अमीन उतनी अधिक क्षारिय होगी बिल्कुल बात समझ में आ गई पहली बात तो एक सहजता से वो आयन बन जाए यानी कि वो प्रोटॉन को ग्रहण कर ले नंबर वन कौन ग्रहण करेगा नाइट्रोजन पर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन एच पॉजिटिव को ग्रहण कर लेगा तो पहली बात तो सहजता से या आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करे नंबर वन नंबर टू वो जो आयन बना वो जो कैटाइन बना वो क्या हो ज्यादा स्टेबल हो अमीन के कम्पेरिजन में उतनी ही अधिक की अमीन की अधिक होती है एल्किल मैं, रिएक्शन करेगा ये नीचे दे रखिए आप देखें एनएस थ्री ने एच पॉजिटिव से रिएक्शन की यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन पोए डोनेट किया एन एच फोर पॉजिटिव बना दिया यहां तक बात समझ में आ रही है? अमोनिया माइन बन गया हम कहते हैं कि यहां जो अमोनिया होती है बेसिक नेचर की होती है अब यहां देखो बात वही है यहाँ पर लोन पेफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर ये यह जो एल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी ये उतनी और आसानी से एच पॉजिटिव के साथ ये अमोनियम आयन बना लेगा और जितनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर ये यह क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा या क्वार्टनरी अमोनियम आयन बनाएगा इसकी बेसिसिटी उतनी ही अधिक होगी तो अमोनिया के कंपेरिजन में यदि हम एल्काइल अमीन की बात करते हैं तो उनकी बेसिसिटी या क्षारकता अधिक होती है क्यों अधिक होती है क्योंकि यहां पर एल्इल एल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्काइल एल ग्रुप क्या करता है प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डोनेट डोनेट करता करता है किसको करता है किसको नाइट्रोजन एटम को डोनेट करता है उससे क्या होता है नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है वो आसानी से प्रोटोन को ग्रहण कर लेता है क्वार्टनरी आयन बन जाता है वो क्वार्टनरी आयन स्टेबल हो जाता है इस कारण से ये अमोनिया के कंपेरिजन में एल्किल अमीन की क्षारकता अधिक होती है इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति के कारण एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन के असहबाजित इलेक्ट्रॉन युगल की प्रोटॉन से साझेदारी के लिए उपलब्धता को बढ़ा देते हैं इसके अलावा अमीन से प्राप्त हुआ प्रतिस्थापी अमोनियम आयन एल्किल समूह के प्रस आई प्रभाव के कारण आवेश के वितरण द्वारा स्थायी हो जाता है अतः एल्किल अमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक होते हैं इसकी बात हम कर ही चुके हैं इसीलिए एलिफेटिक अमीन की क्षारकता इसमें उपस्थित एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़नी चाहिए देखो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी के कम्परिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी के कम्परिजन में टर्शरी अमीन ज्यादा बेसिक होनी चाहिए ये ऐसा कह रहे हैं अब आगे की बात सुनो ध्यान से गैसी अवस्था में तो ऐसा ही होगा यदि गैसियस स्टेट में है तो प्राइमरी के कंपेरिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी के कम्पेरिजन में टर्शरी अधिक क्षारकीय होंगी क्यों क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट के कारण से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी जो गैसी अवस्था उसमें तो क्षारकता का क्रम भी होता है लेकिन यदि हम विलियन अवस्था की बात करें हम लिक्विड स्टेट की बात करें या सोल्यूशन स्टेट की बात करें तो यह क्रम इस प्रकार से नहीं होता है उसका कारण क्या है आप समझो तो ये तो बता रखा है किसमें कि गैसी अवस्था में तृतीयक अमीन क्या सबसे ज़्यादा बेसिक होगी उससे कम सेकेंडरी अमीन उससे कम प्राइमरी और उससे कम अमोनिया क्यों क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाता है और पी के बी के मान से स्पष्ट होता है कि जलीय अवस्था में इस प्रकार का क्रम नहीं होता है जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनियम धनायनों का स्थायित्व केवल एल्किल समूह के, समू के इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के प्रभाव यानी प्लस आई प्रभाव पर यह निर्भर नहीं होता पहले गैसी अवस्था में केवल एक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट जितना प्लस आई ज्यादा उतनी उसकी बेसिसिटी ज्यादा लेकिन जब यह सोल्यूशन स्टेट में आया तो खाली प्लस आई पर भी निर्भर नहीं करेगा बल्कि उसके साथ साथ यहाँ जल योजन या सॉल्वेशन पर भी डिपेंड करेगा और साथ साथ क्या कहा है जितना आकार बड़ा होगा यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी से, से, से जैसे टर्चरी में जाएंगे चूँकि आकार बढ़ता है तो उसका सॉल्वेशन उतना कम होता चला जाता है तो देखो ये एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं एक तो प्लस आई प्रभाव से क्षारकीयता को बढ़ने की बात हो रही है और दूसरा आकार बढ़ने से जल योजन या सॉल्वेशन कम होने की बात हो रही है जल में हाइड्रोजन आबंधन तथा विलायकन द्वारा स्थायित होने का क्रम इस प्रकार है अब यहाँ देखें ये बात कर रहे हैं प्राइमरी अमीन की इससे देखो एक वाटर मॉलिक्यूल दो और तीन ये तीन वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए जुड़ गए ना तीन वाटर मॉलिक्यूल तो इसका जल योजन सबसे ज्यादा हो रहा है यहां पर केवल दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ पाएंगे सेकेंडरी अमीन या टू डिग्री अमीन में तो उसका जल योजन उतना कम और टर्शरी में और भी कम हो रहा है तो जल योजन या सॉल्वेशन धीरे धीरे करके प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्चरी से जाने पर कम होता चला जाता है प्रतिस्थापित अमोनियम धनइन का स्थायित्व जितना अधिक होता है संगीत अमीन का क्षारकीय प्राबल्य उतना ही अधिक होना चाहिए अतः एलिफेटिक अमीनों में क्षारकता का क्रम प्राथमिक सबसे ज़्यादा द्वितीयक उससे कम और तृतीयक उससे कम होना चाहिए जो कि प्रेरणिक प्रभाव के विपरीत है जैसे हमने बात की प्रेरणा प्रभाव में तो क्रम प्राथमिक से ज़्यादा द्वितीयक द्वितीय से ज़्यादा तृतीयक लेकिन सोलन इफेक्ट की जब बात करते हैं तो प्राथमिक में सबसे ज्यादा उससे कम सेकेंडरी में उससे कम टर्शरी में होता है जब एल्किल समूह सी एस थ्री की तरह छोटा होता है तो हाइड्रोजन आबंधन में कोई त्रिविंब बाधा नहीं होती देखो एक बार ये बात समझें स्टेरिक एंड्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं यदि एल्किल समूह सी एस थ्री समूह से बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आबंध में त्रिविन्न बाधा आएगी इसलिए एल्किल समूह में प्रकृति में परिवर्तन जैसे सी एस थ्री से सी एच टू होने पर क्षारकता सामर्थ्य के क्रम में परिवर्तन हो जाता है जैसे सी एस थ्री का क्रम अलग होगा सी टू एच फाइव का अलग होगा यहाँ आप देखें जरा आप नीचे सबसे पहले स्लाइड को ध्यान दें यहाँ सेकेंडरी अमीन को ध्यान से देखें सेकेंडरी अमीन की जो क्षारकता है वो सबसे ज्यादा है ये दोनों प्रभाव मिलाकर है सॉल्वेशन को लेकर भी और इंडक्टिव फैट को लेकर उससे कम किसकी है प्राइमरी अमीन की सेकेंडरी से कम किसकी आ रही है प्राइमरी अमीन की और प्राइमरी अमीन से कम टर्चरी और फिर अमोनिया यहाँ बात समझ में आ रही है या ये किसकी बात कर रहे हैं जब सी एस थ्री ग्रुप है वही जब हमने सी एच थ्री से सी एच टू में कन्वर्ट कर दिया तो सेकेंडरी की सबसे ज्यादा इसके समान लेकिन यहाँ क्या आ गया टर्चरी प्राइमरी की जगह टर्चरी उसके बाद सेकेंडरी फिर अमोनिया तो जलीय विलयन में जैसे अब तीन चार चीजें बात हो गई देखो पहला हो गया प्लस आई इफेक्ट दूसरा हो गया सॉल्वेशन का तीसरा हो गया इनके आकार का ठीक है और इसके बाद ये किस प्रकार से इनमें आपस में चेंज होगा कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा उस पर इनकी क्षारीयता का क्रम निर्भर

एनीलिन के पीकेबी का मान काफी अधिक होता है अभी हमने देखा था एनीलिन का पीकेबी का मान नाइन थ्री एट था ऐसा क्यों है एनीलिन में अधिक क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि बेंजीन अथवा अन्य एरिल एमीनो में एनएच2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है इससे नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन जुगल बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन के कारण प्रोटोनन के लिए कम उपलब्ध हो पाता है समझे कह क्या रहे जैसे C6H5NH2 आप समझ बात को तो प्रोटोन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन युगल या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट कम होगा जब वो कम उपलब्ध होगा तो क्षारकता कम हो जाएगी ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहा चला गया ये बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ डिलोकलाइजेशन कर लेता है या विस्थानीकरण में काम आ जाता है अनिलिन की संरचना देखो आप इससे आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी ये लोन पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हो गए यहाँ पर आ गया तो ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन पर कैसे आ गया पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था तो ये तो बन गया डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो गया अब जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर रह ही नहीं पाए तो ये प्रोटोन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा ये प्रोटोन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा नहीं था उसकी क्षरखता कम हो गई और इसीलिए इसका पी का मान बढ़कर कितना हो गया था नाइन तो हमने कहा था कि अनिलिन अमोनिया के कम्परिजन में बहुत कम बेसिक होते हैं जबकि एल्किल अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजिशन पर आया ये डिल्कुलइजेशन पर कैसे आ जाएगा यहाँ पैरा पर आ जाएगा पैरा से वापस ऑर्थो पर तो इस प्रकार से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका इन इलेक्ट्रॉनों के साथ डीलुक्लाइजेशन हो जाता है और इस प्रकार ये जो अनुनादी संरचना बन रही हैं इनको आप देखें ध्यान से तो इनमें तीन पर तो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं प्रोटॉन को देने के लिए डोनेट करने के लिए इसी कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है या प्रोटॉन से जुड़ने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है इसीलिए एनिलीन या एरिल कम बेसिक होती है यहाँ देखें अगर जुड़ेगा भी तो इस प्रकार से ये एनिलीनियम आयन बन जाता है तो इस क्लास में हमने क्या सीखा हमने पहले जाना था हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में कि किस प्रकार से ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा अमाइड अमीस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर हमने अमीज के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना हमने इनके प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय अमीनस के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जाना हमने इनके हाइड्रोजन तो आबंधन के बारे तो में तो जाना कि हाइड्रोजन तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने के कारण से ये किस प्रकार से इनके बेसिसिटी बदल जाती है फिर हमने इनकी बेसिसिटी या क्षरकता की तुलना की एल्किल अमीन और अमोनिया की एराइल अमीन और अमोनिया की तो हमने देखा कि एल्किल अमीन अमोनिया के कम्प्रिजन में ज़्यादा बेसिक होती हैं जबकि एराइल अमींस अमोनिया के में कम बेसिक होती हैं इनके जो पी के बी की वैल्यू है वो एराइल अमींस की बहुत ज़्यादा होती है और एल्काइल अमींस की कम होती है क्षारियता क्यों होती है क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं जिस कारण से इनकी क्षारकता बढ़ जाती है जबकि एराइल ग्रुप में ये लोन पेयर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के लिए नहीं रह पाता इस कारण से इनकी बेसिसिटी कम हो जाती है फिर हमने यह भी देखा था कि गैसी अवस्था में इनकी क्षारकता का क्रम क्या होता है और सॉल्यूशन स्टेट में जब आते हैं तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं प्लस इफेक्ट भी काम करता है सॉल्वेशन एनर्जी भी काम करती है स्टेरिक एंट्रेंस भी काम करता है और नेचर ऑफ एल्कैल ग्रुप भी तो इन सब के आधार पर बेसिसिटी का या क्षारकता का निर्धारण होता है इतना हमने इस क्लास में सीखा था इससे जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो हम अमीन्स की और अधिक रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि अमीन की और कौन कौन सी रिएक्शन देती हैं महत्वपूर्ण इनकी अभिक्रियाएँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से जानेंगे धन्यवाद